सो हे गाइस, बस वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण एंड आज के इस वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू फोटो एडिटिंग। एंड गाइस, इस फोटो एडिटिंग में गाइस मैं कुछ बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज करूंगा, जिन सभी का लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा मिल जाएगा, तो आप लोग गाइस इजीली वीडियो देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस, आप लोगों को बस क्या करना है इस फोटो एडिटिंग को करने के लिए, आप लोगों को जो गाइस मैं फॉलो करने को बोलूंगा गाइस आपको वो स्टेप सिर्फ फॉलो करना है। बाकी गाइस आप लोग जो एकदम सेम एडिट ऐसे कर पाओगे फोटो गाइस, बस आप लोग वीडियो कंप्लीट देखना। एंड बाकी गाइस, अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी चले गाइस, आज के इस नए वीडियो को हम बिना किसी रिकॉर्ड के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, आप सभी को सबसे पहले तो इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है, इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। उसके बाद गाइस आपको करना है कि आप सभी को जाना है ऐड फोटो में, गाइस यहाँ से ऐड करना है आप सभी को अपने मॉडल को। एंड गाइस, मॉडल जो है मतलब यहाँ पे बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ रेस कर रखा है, एंड पोज वगैरह आप ध्यान से देख लो, आपको इसी टाइप का पोज रखना है एंड आपको बैकग्राउंड रेस करके रखना है पहले ही, ठीक है। इतना जाने के बाद गाइस आपको जो मॉडल है गाइस इन दो जो मतलब ये दो ऑब्जेक्ट है इनके बीच में रखना आप सभी को अपने मॉडल को, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना, जब आप इन दोनों की साइड में जब रख दोगे तो उसके बाद आप सबको फिर क्या करना है, यहाँ पे गाइस आप सबको जाना है ऐसे ऐड फोटो में, ठीक है। यहाँ से मतलब कि आपको भी डन नहीं करना है, ठीक है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना, आप लोगों को भी यहाँ पर डन नहीं करना है, आपको जाना है ऐसे ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से ऐड करना आप सभी को एक पीएनजी, ठीक है, जो ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे ये जो चाय का पीएनजी है मतलब कि जो ये जो उसमें से जो केतली में से जो चाय निकल रही है वो आपके कफ में जा रही है उसका पीएनजी, ठीक है, तो आपको ये लगा लेना है। बाकी आप लोग इसको जो मतलब कि साइज़ वगैरह आप देख लेना अपने हिसाब से, बाकी रेस करके तो आप उसको मैनेज कर ही लेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं इसको पहले क्रॉप करके इसको बड़ा कर लेता हूँ, क्योंकि छोटे साइज़ में दिख नहीं रहा ढंग से। तो अभी क्या करेंगे, हम फोटो को जूम करेंगे एंड उसके बाद जो हम इसको कुछ इस टाइप से ऐसे ले जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे कुछ इस टाइप से इस तरीके से मर्ज करेंगे हम इसको, ठीक है। एंड जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसको तो हम इरेज कर ही लेंगे, ठीक है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कि सबकी फोटो में ऐड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पोज वोज से कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप लोग ध्यान रखना इस चीज़ का। फिर उसके बाद आपको कुछ स्टेप्स इरेज कर लेना है एंड उसके बाद आपको फिर क्या करना है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली डन कर लेना। अब यहाँ पर आप फोटो को जो है डन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, डन कर देना है। देन उसके बाद आप सभी को दोबारा ऐड फोटो में जाना है, एक लाइट का पीएनजी आप सभी को ऐड करना है, ठीक है, तो उसको आपको ऐड कर लेना। लाइट ने विग्नेट का पीएनजी है, लाइट का हम बाद में करेंगे, पहले विग्नेट का ऐड करते हैं यहाँ पर, ठीक है। विग्नेट का आपको फुल स्क्रीन करके ऊपर की साइड में रख देना है एंड उसके बाद कर देना है डन, ठीक है। अब आप सभी को यहाँ पे लाइट का पीएनजी ऐड करना है, आप सभी को जाना ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद यहाँ से आपको लाइट का पीएनजी ऐड करना है एंड इसको ऐड कर देने के बाद जो आपको पहले इसका ह्यू चेंज करना है, ठीक है, यानी कि इसको आपको ऑरेंज टोन में डालना है, तो सब्जेक्ट में जाएंगे एंड यहाँ से हम ह्यू को लेंगे। ह्यू में जाने के बाद हम नीचे की साइड में लाएंगे इसे, ठीक है, नीचे की साइड में लाओगे तो आपको इसको ऑरेंज कलर जो आपको हमें मिल जाएगा इजीली, ठीक है, थोड़ा सा और नीचे की तरफ ले आना अराउंड यहाँ पे 141 तक एंड इसको डन कर देना आप सभी का। एंड उसके बाद आपको ब्लेंडिंग में जाना है, इसको स्क्रीन कर देना है एंड उसका साइज़ को इंक्रीज़ करना कुछ इस टाइप से, ठीक है, इस तरीके से। एंड इसका जो ओपेसिटी है वो कम कर लेना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं रखना है, तो ओपेसिटी में जाएंगे एंड इसकी जो ओपेसिटी है हम इसको कम कर लेंगे, अराउंड इतना रख लेंगे 69 तक एंड इसको कर देंगे डन। फिर इसके बाद फोटो यहाँ पे सेव कर लेंगे एंड इसको लेके चलेंगे हम लाइट रूम ऐप में, क्योंकि बिना रिटच के तो फोटो बिल्कुल अधूरी है। तो अब आप सभी को करना है कि आपको जाना है लाइट वाले ऑप्शन में, आपको यहाँ पर जो कॉन्ट्रास्ट है इसको हल्का सा इंक्रीज़ कर देना है, हाईलाइट जो है गाइस इसको इंक्रीज़ कर देना है हल्का सा। फिर इसका जो शेडो है शेडो को भी इंक्रीज़ कर देना है एंड जो वाइट है वाइट को कम कर देना है, जो ब्लैक है इसको भी कम कर देना है। फिर चलना है कलर्स में, वाइब्रेशन को बढ़ा देना है, टेम्परेचर को थोड़ा कम कर देना है एंड इसको कलर मिक्स में जाना है, ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है, सैचुरेशन आपको माइनस करना है, ल्यूमिनस आपको प्लस कर देना है, येलो कलर में जाना है, येलो कलर में जाके ह्यू को माइनस सैचुरेशन प्लस एंड उसके बाद डार्क ब्लू में जाके आपको ह्यू माइनस सैचुरेशन प्लस एंड उसके बाद डन, ठीक है। उसके बाद चलना है ऐसे नीचे वाले टूल में, यहाँ पे आपको फोटो की क्लियरिटी इंक्रीज करनी है, फोटो में विग्नेट डाल देना फोटो के अकॉर्डिंग, देन आपको नीचे स्क्रॉल करना है, मिलेगा आपको ग्रेन माउंट आपको उसको बढ़ा देना है एंड जाना नीचे वाले टूल में। फिर उसके बाद फोटो की शार्पनेस इंक्रीज करनी है, फोटो में नोट रोशन बढ़ा देना है एंड कलर नोट रोशन भी बढ़ा देना है एंड फाइनली हमारी फोटो यहाँ पर एडिट हो चुकी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चला मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।